नमस्कार दोस्तों। और आज सभी जितने भी हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जो लोग सीख रहे हैं या सीख के जा चुके हैं या जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्पेशल हैप्पी दीपावली। और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारे विशेष हैं कि आप दीपावली को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं और अपने घर में रहें, अपने घर परिवार से रहें और आप एक दूसरे के साथ में खुशियों को बांटें और आप खुद भी हैप्पी रहें। तो जो भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, जो लोग सीख रहे हैं या सीख के जा चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए हैप्पी दीपावली और आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी दीपावली होने वाली है। और सभी स्टूडेंट के लिए आज हम लोग दीपावली का जो पर्व है हम लोग अपने ऑफिस में मनाते हैं, कि जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोग पूरे ऑफिस में दीपक वगैरह जलाया है और पूजा की है। और साथ साथ हमारा एक बात और होता है, दीपावली में आने का सबसे बड़ा मकसद ये रहता है कि हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट्स और लोग होते हैं जो लोग क्लास कर रहे हैं, क्लास के दौरान वो लोग बाहर से हैं, काफ़ी दूर से हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो लोग तो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन कुछ तीन चार पाँच बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर नहीं जा पाते। वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो काफ़ी दूर से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं या उत्तराखंड से हैं। तो इतने दूर दूर से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने घर नहीं जा पाते, तो घर जाने के कारण ही हम लोग उनके साथ में फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ताकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमारे जो बच्चे भी आते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं, वो हमारे एक परिवार का हिस्सा होते हैं, वो हमारे छोटे भाई की तरह होते हैं, फैमिली की तरह होते हैं, और हम लोग भी उनके साथ में फेस्टिवल मनाते हैं। तो मैं आपको उन बच्चों से भी मिलाता हूँ और अपने पूरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से दिखाता हूँ, ताकि आप किस तरीके से बच्चे लोग क्लासेस करते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास सारे टूल्स हैं, क्योंकि आज के दिन हम जितने भी सारे टूल्स इक्विपमेंट सभी चीज़ों का पूजा करते हैं, उनको साफ़ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको बाहर कर देते हैं, जो सही चीज़ें होती हैं जो उनको सेट करते हैं दोबारा से। और ये पूरी लैब बनी है, ये लैब भी यूज करते हैं जितने भी सारे लोग, जब बच्चे रिपेयरिंग करते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो ख़राब होने के लिए हम लोग उनको वॉश कराते हैं, वाइट वॉश कराते हैं, ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। जब मोबाइल फ़ोन बच्चे लोग रिपेयरिंग करें तो उनको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझ में आए। जैसा कि सामने देखेंगे तो सामने आपका टीवी लगा हुआ है, जिसमें जितने भी सारे बच्चे लोग होते हैं सब लोग क्लासेस करते हैं, एक एक करके जो भी सारी चीज़ें होती हैं सर यहाँ पर माइक्रोस्कोप में बैठ करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, और वो आपको LCD पे दिखाई देता है। ये आपका बोर्ड है, एक एक करके सर हर एक चीज़ के बारे में, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक एक करके समझाते हैं। जैसे सर ने I2C प्रोटोकॉल है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाया हुआ है। और आइए फिर मैं आपको दूसरी क्लासेस में दिखाता हूँ। ये हमारे पास दूसरी क्लास होती है, जिसमें जितने भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं, तो उनको एक एक करके स्मार्ट पैनल के माध्यम से उनको सारी चीज़ों के बारे में रिपेयर करना वो बताया जाता है, कैसे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाएगा, माइक्रोस्कोप में रख करके PCB बोर्ड को कैसे इसमें वॉच किया जाता है, या कैसे सप्लाई सर्किट को रिपेयर किया जाता है। एक एक करके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको A to Z करके आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने उन स्टूडेंट से भी मिलाना चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट इस समय पर फिलहाल हमारे साथ दीपावली में हैं, और आप लोगों से रूबरू होंगे। और वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट लोग जो सीखने के लिए आए हुए हैं, एक स्टूडेंट और दोनों लोग मेरे पास यूट्यूब से ही हैं, आप ऊपर आ जाइए दोनों लोग। एक स्टूडेंट हमारे पास अभिजीत जी हैं और एक स्टूडेंट मेरे पास प्रमोद जी हैं। तो प्रमोद जी के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास 2 साल पहले कैलाश जी थे, उन्होंने झारखंड के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ उन्होंने अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान खोली, बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करते थे, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी शॉप को देख करके काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे पास सीख करके जा चुके हैं। उनमें से इन्होंने प्रमोद जी भी उनके पास शॉप पे जाते थे काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ मेरे पास तो अपना सीखने से कोई फ़ायदा नहीं, एक काम करो मेरे सर जी के पास चले जाओ, वहाँ पर सर आपको अच्छे से सिखाएंगे और अच्छे से सीख करके आप आओगे। तो इन्होंने समझ लीजिए जो अपना सीखने का जो ट्यूशन फीस था वो सारा ट्यूशन फीस भी उन्होंने उनको ही जमा कर दिया कि एक काम करो, ये लो तुम फीस रखो, मैं जा रहा हूँ सीखने के लिए, तुम अपनी देखना। तो कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर को पैसा देने की जरूरत नहीं, सारा पैसा तुम हमको दो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज सर ये अपना पूरा कोर्स कम्प्लीट कर चुके हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 20-25% कोर्स अभी बाकी है, लेकिन ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं। और मेरे पास दूसरे स्टूडेंट हैं, ये अभिजीत जी, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और ये भी फिलहाल अपनी दीपावली में नहीं जा पाए, तो मेरे साथ ही इनका फेस्टिवल है, और ये भी अपना क्लास कर रहे हैं, इनको मेरे पास आए हुए समथिंग 10 से 12 दिन हुआ है,
और ये अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाएंगे। इनका मोबाइल फ़ोन लैपटॉप दोनों का कोर्स है, इनको मेरे पास 3 महीने का समय लगेगा और पूरा दिन क्लास करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अच्छे सीखते हैं। तो अभी जी ज़रा आप अपने बारे में बताइए और दीपावली के बारे में, जो आप अपने फैमिली से दूर हैं तो आपको लगता है कि हम चलो ठीक है अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कहने वाला हूँ कि ये जो दीपावली आप लोगों के लिए होने वाली है, मेरी तरफ से इतना आपके लिए आशीर्वाद है कि आप आगे जाकर के हमेशा सफल होंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे और ये जो आप लोगों ने जो एक त्याग किया, ये अपने फ्यूचर के लिए त्याग किया, अपने भविष्य के लिए त्याग किया कि आगे भविष्य में जो हम करेंगे। कहते नहीं है एक दीपावली कुर्बान होने से अगर हमारी सैकड़ों दीपावली अच्छी होने वाली हैं तो जाहिर सी बात है हमको कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने जो किया हुआ है वो उसका रिजल्ट, उसका फायदा आगे चल करके आपको बहुत मिलेगा और बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभिजीत जी आप अपने बारे में बताइए और ताकि और भी लोग जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो उनको भी पता चले और सबके हैप्पी दीपावली। सर मेरा नाम अभिजीत माइती, मैं वेस्ट बंगाल से दीघा से रहने वाला हूँ और मैं हिंदी बहुत कम बोलते हूँ, उससे दिक्कत होता है। तो मैं एक बात वही बोलना चाहता हूँ, जो मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखा, यहाँ पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखा, तो वहाँ पर जो मैं कुछ कुछ उन लोगों के साथ बात भी किया था वो बहुत चार्ज बोलता है, लेकिन यहाँ पर इटेक में मैं कॉन्टेक्ट किया तो वहाँ पर बहुत ही कम चार्ज, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को डर लगता था वहाँ पर क्या पैसा लेके क्या करेंगे, ये बहुत सारे डर लगता है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद मैं देखा मैं फैमिली की तरह मैं यहाँ पर रह सकता हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, और सर जो सीख रहा है सो हाथ पकड़ के सीख रहा है, जो मेरा जो फेवरेट सर है मोहित सर, उसको सर क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहा है। राघवन सर जी तो बहुत अच्छे हैं सर, और अमित सर भी बहुत अच्छे सर, बहुत पूरा फैमिली का भाई की तरफ से रहते हैं, मेरे तरफ बिहेव करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरा फ्रेंड लोग आना चाहते हो तो बिना डर के यहाँ पर आ जाए, मैं पूरा रिस्क के साथ में यहाँ पर आया था, लेकिन आज मेरे को पूरा फैमिली तरफ से यहाँ लग रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत सीखने यहाँ पर बहुत सीखेंगे प्रैक्टिकल जी सर। तो और मैं कहना चाहूँगा कि सर का नेचर बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं कोई भी बात को बोलता हूँ तो हर एक बात को समझते हैं, काम करते हैं, पूरा दिन क्लास करते हैं, यहाँ तक कि इतना प्रैक्टिस करते हैं अगर रूम पे हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट जो लोग बाहर से रहने वाले आते हैं तो सब लोग हमारे साथ में रहते हैं, हमारे घर की तरह होते हैं, हमारे छोटे भाई हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, हम लोग भी उनके साथ में रहते हैं। कई बार मैं अपना घर नहीं जाता तो मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ ताकि मैं देखता हूँ किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरीके की सीख रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है। तो इनका मैं कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ इनको अगर कमरे पर भी नहीं समझ में आती तो भी सर पूछ लेते हैं कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में बता दीजिए, और मैं उनको बताता भी हूँ और अच्छा सीखते हैं और पूरा डाउट अच्छे तरीके से क्लियर जाते हैं। तो प्रमोद जी आप अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा किस तरीके से आपने क्या क्या सारी चीज़ें सीख लिया है और आपने सीखने का कैसे विचार बना, कैलाश जी को हमारे कैसे जानते हो आप बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार निषाद है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहाँ पर करीबन 45-50 दिन लगभग हो गए हैं, मेरा कोर्स कंप्लीट हुए, लेकिन मैं भी मतलब अभी सीख रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और बाकी है। और अच्छे से सिखा रहे हैं यहाँ पर, मोहित सर हैं, राघवेंद्र सर हैं, अमित सर हैं, वो सब अच्छे से सिखा रहे हैं। पहले तो मैं दूसरे जगह काम करता था, फिर मुझे मेरे दोस्त एक कैलाश है जो पहले 2 साल पहले यहाँ पर आया था, उससे मैंने सीख कर थोड़ा सा जानकारी लिया सर के बारे में, फिर मुझे लगा कि मुझे भी ये कोर्स करना चाहिए, इसलिए मैं उससे कांटेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर कोर्स स्टार्ट किया। अच्छा पहले क्या काम करते थे सर आप? पहले मैं मतलब सर कोई भी तहसील सर के तहसीलदार के साथ वैसे अच्छा। मतलब काम करता था कि घर में उसके रहकर। अच्छा तो आप तहसीलदार के साथ में रहते थे, फिर आपने ये काम करने के लिए कैसे सोचा कि मतलब मैं इतने अच्छे लोगों के साथ में कर रहा हूँ, फिर आपने अपना काम करने के लिए क्यों सोचा कि ये क्या विचार आया आपके लिए? पहले क्या था सर, मतलब मैं सर के साथ काम करते करते थोड़ा बहुत तैयारी करता था सरकारी नौकरी का, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा बिजनेस ही करना चाहिए, ऐसे करके फिर मुझे सुझाया कि कैलाश तो मेरा दोस्त है, उससे पता करता हूँ मोबाइल अच्छा चल रहा है कि नहीं सर के, उसके बाद मैंने कोशिश किया कि चलो मोबाइल कोचिंग करता हूँ। और आपके लिए मैं सबसे बहुत अच्छी तारीफ भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप किसी के साथ में काम करने के बाद भी इतने अच्छे लोगों के साथ में काम करके भी आज अपने हुनर को सीख रहे हैं, अपने काम को सीख रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे यंग जनरेशन के लोग हैं
जितने नए लोग हैं वो लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद किसी की नौकरी लग जाती है, किसी की नहीं लगती। दूसरी बात क्या होता है, वो लोग कब जिनके लगने का रीजन क्या होता है, अगर 100 लोग होते हैं 100 में से 20-25 लोगों की लग जाती है, 75 लोगों को नहीं लगती है। 75 में से 20-25 लोग ऐसे होते हैं वो किसी के अंडर में काम करने लगते हैं। किसी के अंडर का मतलब होता है वो कोई उनको सैलरी नहीं मिल रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नेताजी के साथ में घूम रहे हैं, उनके साथ में जाएंगे, 2 समोसे खा करके आ जाएंगे, फोटो खिंचवा करके आ जाएंगे और बस सौभाग्य प्राप्त हुआ इस चीज़ का, फोटो खिंचवा कर घर आ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी जिंदगी में दोस्त अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, मदद आप खुद ही कर पाएंगे। जब तक इंसान आप अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता तो समझ लीजिए वो अपने लिए जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ या उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ, वो उन अपने भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करें, आप अपने अंदर हुनर ऐसा लें कि जिसकी वजह से समाज में आप काम कर पाएं, मार्केट में आप सफल हो पाएं और मार्केट में सफलतापूर्वक आप मार्केट में काम कर सकें। क्यों? क्योंकि दुनिया जान में जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। जब तक आप अपना सहारा खुद नहीं बनेंगे तब तक लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होने, लाइफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपने समय को वेस्ट ना करें किसी के साथ में रह करके। जैसे मैंने बताया कि प्रमोद जी, उन्होंने बताया कि मैं तहसीलदार के साथ में काम करता था। अब अगर तहसीलदार के साथ में काम करने का मतलब होता है कि आदमी जैसे नहीं, कोई आदमी होता है वो जब विधायक के साथ में घूमने लगता है तो आधा विधायक वैसे ही बन जाता है, लेकिन उसी समय के लिए बन जाता है। जैसे वो हट गया तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं वो सिर्फ आप अपने लिए ही यूज करेंगे और आपको फिर छोड़ देंगे, है ना। या तो फिर आप जॉब कर रहे हो, आपको तनख्वाह मिल रही है, सिक्योरिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है कि आपको उनके साथ में काम किया, आपको 250-300-500 रुपए पैदा हो गया, उसके बाद घर आ गए, फिर 200-250-300-500 रुपए पैदा हुआ, फिर घर आ गए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट रिजल्ट कुछ नहीं, भविष्य नहीं सिक्योर है। क्यों? क्योंकि भविष्य दोस्त तभी सिक्योर होगा जब अच्छी तरीके से काम करेंगे। और आज मैं अपनी यंग जनरेशन के लिए कहना चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं जो लोग अपने जॉब के पीछे लगे हुए हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सफल करियर को बनाने के लिए अपने को बिजनेस की तरफ भी ले जा सकते हैं और बिजनेस पॉइंट पर आप सोच सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा और बहुत सफल कोर्स है। मैंने देखा है अपने लाइफ में, मुझे सर 18 साल हो गए इस लाइन में ट्रेनिंग देते थे, सिखाते सिखाते, आज मैं कम से कम 10,000 बच्चों की मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग दुकानें खुलवाई होंगी और आज वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं। मैं खुद एक एक बच्चे को, जो मेरा बच्चा जो मेरा जितना टच में है, चाहे वो मेरे लोकल से है, पास में है, थोड़ा दूर से है, तो भी मैं उन बच्चों की दुकानों में जाता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से बच्चे लोग अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने फैमिली को चला रहे हैं। आज वो लोग खुद स्टूडेंट लोग कहते हैं कि सर मैं आज अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप ओपन करके, जहाँ मैं 200-500 रुपये के लिए सोचता था, आज मैं 1,000-2,000 रुपये का मैं आसानी के साथ में काम कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम कर रहा हूँ। मुझे भी दिल से बड़ा गर्व महसूस होता है, मुझे बड़ा खुशी मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरा दुनिया जान में सिर्फ एक ही मिशन है। मैं चाहता हूँ कि अगर दुनिया जान से मैं तो बेरोजगारी को तो नहीं हटा सकता, लेकिन बेरोजगारी का कारण जरूर हटा के रहूँगा। इसलिए हटा के रहूँगा क्यों? क्योंकि मैं हर एक बच्चों को स्किल देना चाहता हूँ, हर एक बच्चों को हुनर देना चाहता हूँ, हर एक बच्चों को इस लेवल पर खड़ा करना चाहता हूँ कि वो अपने सम्मान के साथ में खड़ा हो सके और आराम से 1,000-2,000-3,000 इससे भी ज़्यादा काम कर सके। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर एक सेक्टर में है, हर एक विभाग में है, हर एक क्षेत्र में है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर मोबाइल फ़ोन नहीं है। अगर मैं कहता हूं मोबाइल फ़ोन के बिना, कहते नहीं आदमी दो तरीके से अपाहिज होता है, एक तो शरीर से अपाहिज होता है, दूसरा मन से अपाहिज होता है। अगर आपने मन से सोच लिया कि मेरा ये हाथ नहीं काम कर रहा है, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ हाथ का, आप हाथ को यूज तक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप अपाहिज हो। सर आदमी अपनी ज़िंदगी में दो तरीके से विकलांग होता है, या तो शरीर से होता है फिजिकली चेंजेज, या तो मन से होता है। फिजिकली चेंजेज वो होता है जो उसके साथ में हादसा हो जाता है या ऊपर से होता है, लेकिन मन से विकलांग सिर्फ आदमी अपनी सोच से होता है। कैसे होता है? अपनी सोच से। आज मैं आपको बताऊं, जिनकी सोच इतनी अच्छी है वो विकलांग लोग हैं, लेकिन फिर भी सबसे अच्छे धावक हैं, सबसे अच्छे दौड़ने वाले हैं, सबसे तेज दौड़ने वाले हैं। कैसे दौड़ने वाले? ऐसे दौड़ने वाले हैं क्योंकि उन्हें अपने मन की सोच से हटा दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग चाहते हैं कि हम आगे अपने करियर को अच्छा करना चाहते हैं, अपने करियर को सफल बनाना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को सीख करके अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं, एक अच्छा करियर स्थापित कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और एक बात मैं कहने वाला हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का समझ लीजिए दुनिया जान में फ्यूचर 100% इसका बढ़ने ही वाला है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मोबाइल फ़ोन से ना जुड़े,
जब से डिजिटल इंडिया आया या बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम आए या बहुत सारे एप्लीकेशन आई या बहुत सारी शिक्षा आई, अगर आज मैं आपको बताऊं शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी शिक्षा भी टोटल 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 हमारे सेल फोन पर डिपेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन एक ऐसा गैजेट है तो जो इंटरनेट की सुविधा को सबसे अच्छे से प्रोवाइड करता है, जितना कंप्यूटर भी नहीं दे सकता उतनी अच्छी से अच्छी सुविधा हमारे मोबाइल फोन दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉकेट में, कहते हैं ना जेब में, तो जेब में होने का मतलब क्या है? इंटरनेट जेब में, इंटरनेट जिसके हाथ में तो दुनिया उसके मुट्ठी में। तो इसलिए दोस्तों आप, ये एक ऐसा चीज है। और दूसरी बात क्या है, मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस है जो कभी बंद नहीं रहता, हमेशा दिन रात यूज होता है। कोई भी आदमी मोबाइल फोन ये सोच करके नहीं खरीदता कि भाई मैं मोबाइल फोन ले लूंगा, मोबाइल फोन लेने के बाद इसको दो तीन दिन नहीं चलाऊंगा, घंटे दो घंटे तीन दिन में बंद कर दूंगा, कोई नहीं बंद करता, हमेशा यूज करता है। तो जब हमेशा यूज करता है तो जाहिर सी बात है इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जब सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा यूजेस है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ज्यादा खराब होगी। मोबाइल फोन अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार बिकता है लेकिन खराब दसियों बार होता है, दसियों बार मोबाइल फोन खराब हो जाता है, रिपेयरिंग करने की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने इस लाइन में फ्यूचर में अपने करियर को बना सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और आप सभी सारे हमारे स्टूडेंट के लिए हैप्पी दीपावली, और अच्छे तरीके से आप लोग अपने फैमिली अपने साथ में दीपावली फेस्टिवल को मनाएं और अच्छी तरीके से एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों।